नहीं जी, ईद पड़ी जा रही है हर जगह पे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, यार सबको बहुत बहुत अब सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है, सारे माशाल्लाह मिल रहे थे। मैंने कहा घर जाने से पहले एक बार अबा जी की कब्र पे चलते हैं, अभी को भी ईद मुबारक क्या कहते हैं, फातिहा करते हैं, उसके बाद घर जाके हम लोगों से मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम या हलल कबूल। पापा जानी ईद मुबारक। अबा जी की कब्र पे किसी ने पहले से फ्लावर्स फेंक दिए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ घर को, जाके अम्मा जी से ईद मिलते हैं, उनसे ईदी लेते हैं। अब मैं खुद क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ अर्न करता हूँ, तो बहनों को, बहन को, सिस्टर्स वगैरह को ईद देंगे और उसके बाद फिर सेवैयाँ खाते हैं। हमारी तो ईद स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास भांडाज है मरो, और ये हमारी सेवैयाँ हैं। ये सेवैयाँ या फेमियाँ, ये फेमियाँ हैं सेवैयाँ, ये सेवैयाँ हैं। आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी फेमियों की, बट ये हैं सेवैयाँ। आपको भाई ना गर्मा गर्म सेवैयाँ खा रही, इसके अंदर बादाम मैंने पिसवा के डाले हुए, पिसवा नहीं मतलब छोटे छोटे करके डाले हैं। आप लोग भी ले लो यार, मैं इधर ना देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डन हो गई है, अब अम्मी से ईदी भी लेनी है, मुझे ईदी देनी भी है और उसके बाद फिर खाना भी खाना है। यार एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपके घर में जब ईद का डे हो ना कुछ हो, तो कुछ ना किसी को कोई ना कोई तो मसला होता है। मैं जब ईद की नमाज पढ़ने जा रहा था तो अम्मा जी को बिल्कुल परफेक्ट छोड़ गया था, क्योंकि उस टाइम मम्मी मेरा बनाती सालन वगैरह खाना शाना बनाती। वापस आया हूँ, आके अम्मी ने मुझे ईद तो मिल ली है, बट अम्मी ढीली ढीली थी। मैंने कहा मैं क्या हुआ, तो अम्मी ना सेवन अप में नींबू निचोड़ के पी रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, बस कहती तबीयत खराब हो गई। मैंने कहा सीधा छोड़ गया था, फिर देन रिलैक्स हुआ कि हमारी देशियों की फैमिली में ना जिस दिन कोई इवेंट हो कुछ हो, उस दिन ना किसी का बीपी हाई हल हो जाता है। अब मुझे लगता है अम्मी का बीपी हाई था, मेडिसिन वगैरह लिए तो अब बेहतर हो गया। अब अम्मी मुझे कह रही है कि सेवैयाँ तो नहीं खा ली, तो जल्दी से मेरे पाँव दबा। अब अम्मी के पाँव से दबाएं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, ब्रो बार बार अंदर आ जाए। माशाल्लाह ईद मुबारक। दंद चुम्मियाँ ले लिया, दंद हो गया। मैं भी सलाम ठोकने आए थे, सलाम ठोक दिया। फिर सलाम और को रह कौन गया, नमाज पढ़ी थी ईदी की नहीं पढ़ी, पक्की बात है। अभी मतलब कि ये ब्रो अंदर बैठे हैं, ये अंदर से बैठा बंदा जाती मर। यो ब्रो बोतला क्या हाल है, ठीक हो? ईद मुबारक। नहीं जी ये भी भाई हैं जो पीछे बैठाए थे, आगे बैठाने का रीजन इसलिए, आगे क्यों नहीं बैठाए इनको, ये आगे छपते हैं तो इसलिए पीछे बैठे। अभी अब क्या सीन है, रोटी छोटी खा ली यार, बकवास करते हैं। ईदी दे दे, तेरी मेरी ईदी बनती है ब्रो, हम भाइयों में कोई ईदी नहीं होती ब्रो, बड़े मैं कह रहा हूँ भाइयों में ईदी कोई नहीं होती। तुझे मैं 20 वाले नेन लोड ला के दूँ? नहीं नहीं, मैं तेरे 20 वाले नेन लोड ला के देता हूँ। साकिब के लिए 20 वाले नोट की मुझे कॉपी मिल गई थी, मेरे दोस्त एक है जरूर आप उसे मुझे ला दी थी। साकिब ब्रो ये आपके लिए ना लेके आऊँ, ये देख लें, बदतमीजा इतना खोई नहीं होती है। अब थैंक यू कर यार, जितने हैं रख ले ब्रो, नकली है। बकवास, ले वापस दे दे, वापस लकड़ी है, वापस दे देना। अब खाना खा लिया कि नहीं खाया, ये बता। नहीं तेरी रोटी खानी, दे आजा। नहीं ब्रो हमने तो, आपने क्या पकाया पहले ये बताओ ब्रो, बड़ा हेली कट्टा ब्रो, बकरा ब्रो, बकरा कम ओवर, बकरा खाते हैं लेकिन राम कोर कहते गाड़ी बंद कर लूं। नहीं जी आप लोगों को नजर आ रही है, ये कौन आके बैठ गया, ये नजीदा बच्चा, मैंने अभी इसको बाहर ऑफर की के मैं तो गलती से कह बैठा। मैंने कहा क्या कहता, क्या बनाया? मैंने कहा बकरा, यू नो मैं बनाया। कहता लै भाई मैं अंदर आ गया, और वही यकीन कर ले भाई गाड़ी पार्क करके भाई मेरा अंदर आ गया। साकिब ने माशाल्लाह से खाना शाना अपना डाल लिया। साकिब लेमन दूंगा आपको ब्रो, लेमन में डाल ब्रो, आपने मेरा लेमन डाल दिया ब्रो, आप बहुत नदीदे हो। अब आपका भाई भी सुथरा सा खाना डाल के खाएगा, उसके बाद फिर हम इंजॉय द लाइफ करने के लिए बाहर जाएंगे। मैंने कहा मैं अम्मा जी सामने बैठी हुई हैं, अम्मी ने साले बनाया है, मैंने कहा टेस्ट है कि नहीं है? कहता हूँ मैं, कहा शायद अम्मी के डर से ना कह रहा हो कि बहुत मजा है, लेकिन अभी मैं खाऊंगा तो लग जाएगा, पता कितना अच्छा बना है। ले जी आपके भाई को मिल गई है मदर शरीफ से ईदी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पर्सन ने तो मुझे दे दी ईदी, मतलब माँ जी ने मुझे दे दी। अब्बा जी जब जिंदा थे तो फिर अब्बा जी भी ईदी देते थे, फिर अम्मा जी भी देती थी, दोनों की मिला के काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मिल गई उसमें खुश हैं। और ये भी कहाँ यूज़ होने हैं, मतलब कि चीज़ों वगैरह में यूज़ होते हैं, इसमें क्या ही करना है। बचपन में था कि पैसे मिलते थे तो बाकी जाके मैं पिस्टल लेके आता था, पानी वाली पिस्टल, वो शरों वाली पिस्टल, और यू नो खिलौने और पापड़ शापड़ खाई रखने, मतलब हर बंदा मैं कहता हूँ अच्छा गंदा स्कूल टाइम, ऐसे ऐसे पापड़ खाए ना कि बंदे की सोच है, वो तब का टाइम था, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। अब ये वैसे पैसे पड़े रहने हैं, कहीं और यूज़ हो जाने हैं, कहीं बाहर जाना है, कुछ घर वालों को यश करा देनी है,
और अदर थिंग इज आप खुद भी आपका भाई कमाऊ पूत है ना, तो जब कमाऊ पूत को भी जब ईदी मिली खुशी, माँ बाप से जो ईदी मिली उसकी खुशी बहुत होती है, लेकिन अदर थिंग ये होता है कि चल आप तो खुद भी कमा रहे हैं तो आप तो बाकी को देने वाली होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ईद दे दी है, अम्मा से मैंने ले ली है, ईद का एक बंदे का सीन डन हो गया। अब होप करता हूँ घर में कोई आएगा मेहमान तो फिर मुझे ईद देगा, वो ये ना सोचे कि आप ये कमाने लग गए तो उसको ईद नहीं देनी। मैं चाहता हूँ वो ये कहे कि यार बच्चा तो बच्चा ही है, इसको ईद देनी बनती है, तो अगर कोई नहीं देगा तो मैं डेढ़ मुंह से मांग लूंगा कि थोड़ी सी ईदी तो दे दे। ईदी ईदी होती है यार, बेशक कोई 100 दे 500 दे 1000 दे, ईदी इज ईदी। गेस्ट अगर आ रहे हैं तो घर वाले कहते हैं कि यार क्रीम चार ड्रेसिंग साल जो मर्जी कह दो आप वो बनाएंगे। मेरी ईद की रूटीन ऐसी है, कोई ऐसा नहीं है कि गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ जा रहे वहाँ। एक अच्छा दोस्त था, वो टाइम टाइम शादी होगी उसकी, वो अब बुटीस के नीचे लगा हुआ है, मतलब अपनी बेगम के फुल नीचे लगा हुआ है, वो रजन मुरीद बन गया। तो अब उसको तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, बना रहे रजन मुरीद, अच्छी बात है रजन मुरीद बनना। अब रहेगी बात, बाकी कोई है नहीं ऐसा जो है वो आउट ऑफ सिटीज़ वगैरह हैं, आउट ऑफ कंट्री निकल गए हैं, तो आपका भाई भी एक दिन इंशाल्लाह जाएगा आउट ऑफ कंट्री। इतना ज़्यादा पील उतरा है, अभी इसको हम इसके ऊपर ला के रखते हैं और अभी कट कट स्टार्ट करेंगे। ये जी सारा गैस के अंदर, कॉकटेल का डब्बा इस पर खाली कर दिया है, बस सारे ये मैंने बादाम निकाले हुए थे भिगो के रखे थे, इसके साथ एक आधा अशरफी वाला मुरब्बा है, किशमिश डाल देंगे। अब मैं अच्छे से करूँगा इसको मिक्स और देखें कितना खूबसूरत किस्म की शक्ल निकल रही है। अब इसको लाते हैं और उसके बाद इंजॉय करेंगे। साकिब भाई साहब बाहर आ गए हैं, पूरा दिन हमने ऐसे गुजार दिया पकड़ के, ये चोई साहब बैठे हुए हैं लत रख के, अभी हम जाएंगे। पूरा दिन मेरा यार ईद का तो खैर ऐसे ही किया है, कुछ नहीं किया, वो जो बनाया था उसके बाद गेस्ट आ गए उसमें बिजी हो गया और वो मैं दिखा नहीं सकता था उनको, तो अभी जाएंगे जाके हल्का सा गेड़ा मेड़ा मारेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ जाके हल्की फुल्की कोई शुगर मुगर लगाते हैं। हाँ भाई चौधरी तू सुबह तक गया, तो क्या मैं 10 मिनट में आता हूँ। चौधरी मैं ना गांव चला गया, यू नो जमीनों पे चक्कर। जमीन ब्रो, ब्रो जमींदार बच्चा है तू तो। एक टाइम था जब हमें ईदी मिलती है, यू नो सारा कुछ होता था, मारना नहीं मरे उस चक्कर यार। तेन मैं एक दसना ही भूल गया। अच्छा बताओ आज मैं करो ईद लभी, सिर्फ तेरे वाला 100 रुपया ईद लभी मैं बारो ना कर। मैं एवं ताया चाचा नु वड दे दिल मेरा अगे देख अगे चौधरी। ना 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 फटा ना यार, उन्हें चपेड़ा मार चौधरी, मैं बाहर नहीं निकलना चौधरी, में बाहर कोई नहीं निकलना, फड्डा पै गया था, उन्होंने बहुत चपेड़ा मारनी और मैं चपेड़े खाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। ये ब्रो हरकतें कर रहा है, चपेड़े पड़नी है तो इसको पड़ेंगे, मैं साइड से, मैं कह रहा ना पहले मेरे पहले सट्टा लगी, मैं साइड से हो जाना, उन्होंने तेन बहुत मारना है भाई। हम आज फुल पैके लिहाज से लोगों को तंग कर रहे हैं। दे दे यार जल्दी में होगा, दे दे चौधरी, दे दे चौधरी ना कर। जी आप मर जाइए अस्तगफुरल्लाह, फिर जाते ही आप जन्नत चल जाइए, 70 हूरां लभन गए। अच्छा 70 हूरें मिलेंगी, लेकिन तुझे लगता है जो तेरी हरकतें और जो हमारी हरकतें हैं हमें जाते अल्लाह ने जन्म में डाला, अल्लाह ने कोई सुथरी हमारी चोरी छतरी कुछ नहीं होया। लेकिन बर्दाश्त करके बख्शे जाना है, ऐसे फ्री में नहीं बख्शे जाना, हमें पहले चपेड़े चपेड़े पन्नी है और उसके बाद फिर हमें अल्लाह ने जन्म में डालना है। और जाते जन्म में जाते मैंने ऑर्डर लगा देना अल्लाह मुझे 70 हूरें प्लीज प्लीज गिव मी 70 हूर्स, और अगर मेरी बेगम ज्यादा अच्छी रही तो फिर मैं कहूंगा हूर्स को कराओ साइड पे बुढ़ी भेज दो, मैं सारी जिंदगी उन्हें नामे ला छड़ी। जन्नत में योगी नहीं बन सकते, पहली बार जन्नत का कोई कौन ना होना नहीं है, तुझे इतना नहीं पता, जा लेना थोड़ा सा अभी अल्लाह भाई को खुश रखे। एक मिनट रुक जाए, दूसरा भी चूक लेने मुझको ले, सर मैं आपको भी देता हूँ पैसे बहुत। ये हो गया भरा दे 160। कनक भी नहीं बेची? नो ब्रो कनक तो नहीं बेची। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया मेरी तरफ से आपकी ईद। चलो खुश रहो, सारी चकनी सी बस आवा तू गड्डी तैयार है, मैं कुर्सियां चकदा तो भज जाने। 400 दिता है अपना रिश्तेदारी नहीं काट ली, बाबा तो नहीं बाबा तेरा कार सुता पे मेरे कार जाना तेन आज तू गड्डी कर ले दी लगा पैनी। चोरी जरा एडा उड़ के जा रहे ने, कितने जा रहे हैं?
यार ब्रो क्या पता उसको 40 आई। हमसे भी एक ना पहले सॉरी अभी एक पहले भी भाई साहब उड़ के गए तो मुझे चौधरी कहता है यार इतना उड़ता उड़ता क्यों जा रहे कि मैं क्या शायद उसे पोटी आई हो स्पीड में जा रहा हो जाने घर जाकर नहीं। लेकिन मैं इतना बताऊं अगर इसी का मैं होता और मुझे वॉशरूम है ना स्पीड में तो मैं बहुत स्लो सिटी के अंदर ये चीज बनी है खूबसूरत लग रही है चौधरी तेरा शीशा खराब है लेकिन गंदा है लेकिन अच्छा लग रहा है वेरी नाइस ब्रो ये तो बड़ा सुथरा काम बना हुआ है। थक गए हैं वॉक कर लिया आपने चलिए यार थक गए ना आज का ये सुरते हाल थी। आप लोग कहेंगे इतना फिक्का व्लॉग ब्रो क्या करें हमारी ईदें रही फिक्की इतना ही है ना अब हमारी ईदों में कुछ चस नहीं रही लेकिन फिर भी हम अपने खुद में इंजॉय कर लेते हैं खुद में वाइब्स लेते हैं। गाड़ी खड़ी है अराउंड टाइम हो गया है 12:30 का एक बजे का टाइम हो गया है घर को निकल रहे हैं। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको पता है बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एंड अनदर डे ऑफ ईद में। तब तक के लिए टाटा।